हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम देखे हैं इनपुट डिवाइस का पार्ट टू। जिन्होंने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप इनपुट डिवाइसेस की पार्ट वन भी देख सकते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, कह सकते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी होती क्या है? वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये ऐसा होता है कि हम फील ऐसी डिवाइस के जरिए हम फील करें कि हम किसी और एनवायरनमेंट, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। यू कैन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक माइक, आंखों पर एक डिवाइस लगी हुई, इसको हम बोलते हैं वीआर डिवाइस, वर्चुअल डिवाइस। इसके जरिए हम इसमें आप 360 डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं और यू कैन फील लाइक आई एम नॉट हेयर, आई एम मैं कहीं और हूँ। जिस भी जगह पे जो भी 360 डिग्री वीडियोस में जो भी आउटपुट दिया है, आप उस जगह पे अपने आप को फील, आप समझ सकते हैं कि मैं आसमान में हूँ, समझ सकते हैं कि मैं किसी फॉरन में किसी प्लेस में हूँ, या इसी तरह से बहुत सारे आप इसमें सीन एड अप कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी जिस नाम ही है कि आभासी, वर्चुअल रियलिटी का मतलब आभासी, हम आपको किसी और जगह फील करे ऐसा फीलिंग आएगी। ठीक है, एक तरह की इनपुट डिवाइस है। हमारे साथ साथ ये हमारे बॉडी मूवमेंट को भी कैप्चर करता है। हम अपने आसपास जैसे भी मूवमेंट करेंगे, ये भी अपने आप में ही अपने आप को वैसे ही एडजस्ट कर। ठीक है, ये इनपुट डिवाइसेस है। ओके, दूसरी हम बात करते हैं गेस्चर रिकॉग्निशन की। गेस्चर रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि ऐसी डिवाइसेस होती हैं, कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो आपकी बॉडी गेस्चर को रीड करती है। जैसे हमने बताया भी वर्चुअल रियलिटी में ऐसी खूबी है कि आपने सिर को अगर आप दाएं बाएं करेंगे तो आप सीन में भी दाएं बाएं होंगे, कदम आगे पीछे करेंगे तो आप उस एटमॉस्फेयर में भी आगे पीछे होंगे। ऐसे ही गेम खेलने के लिए भी आज के गेस्चर रिकॉग्निशन यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं ये कार को हाथों से कंट्रोल कर रहा है, ये आपका कार से हाथों से कंट्रोल, उसको हम गेस्चर रिकॉग्निशन कहते हैं। ये भी इनपुट डिवाइस से काम करते हैं। एग्जाम्पल और भी गेस्चर रिकॉग्निशन का ले सकते हैं कि मोबाइल में हम 3D गेम खेलते हैं और मोबाइल को हिलाने डुलाने से उसकी स्पीड और सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं, सारे लोगों ने खेला भी होगा, वो भी एग्जाम्पल है गेस्चर रिकॉग्निशन। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो ऐसे डिवाइसेस में गेस्चर रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता है, ये भी थोड़ा की इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं ओसीआर, जो बहुत ही जरूरी है। ओसीआर क्या काम करता है कि ओसीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या करता है? ये कैरेक्टर को रीड करता है। किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट पे, प्रिंटेड पेपर पे अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को रीड करके कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में कंप्यूटर में हमें रिजल्ट के रूप में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैगजीन का पेपर है और इस पे एक स्कैनर चला रहा है, स्कैनर यूज कर रहा है, तो ये जितने भी टेक्स्ट इसके स्कैनर के सामने आएंगे उसको रीड करके वो कंप्यूटर में ट्रांसलेट करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यू कैन मॉडिफाई द टेक्स्ट, आप आराम से कंप्यूटर में उस टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने यूज किया होगा गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं, गूगल ट्रांसलेट में हमने एक फीचर देखा होगा जिसमें आप किसी न्यूज़पेपर या किसी प्रिंटेड टेक्स्ट में हम फोटो कैप्चर करते हैं और वहाँ के सारे टेक्स्ट हम एज ए ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? फीचर है ओसीआर। इसका मतलब गूगल ट्रांसलेट में भी क्या एक ओसीआर फीचर इंक्लूड किए गए जो हमारे मोबाइल से ओसीआर का काम, ओसीआर में क्या तरह का। ठीक है, हम बात करते हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या होती है? बायोमेट्रिक डिवाइस वो डिवाइसेस जो कि हमारे बॉडी के किसी पार्ट को रीड करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में कुछ भी रीड करने के लिए जो डिवाइसेस बने हुए उसको हम बोलते हैं बायोमेट्रिक। बायो मतलब बायोलॉजिकल मेट्रिक, बायोलॉजिकल मेजरमेंट के लिए जो डिवाइसेस हैं उसको हम बोलते हैं बायोमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फेस रिकॉग्निशन है, आपका होगा आजकल लैपटॉप में भी आता है फेस रिकॉग्निशन, मोबाइल में भी आता है फेस रिकॉग्निशन। बाय द वे योर फेस, अपना फेस दिखा के मोबाइल अनलॉक कर सकते हैं, लैपटॉप ऑनलाइन कर सकते हैं, ये भी तरह का फेस स्कैनर। ठीक है, वॉइस स्कैनर जो वॉइस को आपके स्कैन करती है, वॉइस को पकड़ के ट्रांसलेट करती है और उसके आधार पे आपको वेरीफाई करती है, उसको हम वॉइस स्कैनर कहते हैं।
फिंगरप्रिंट एंड स्कैनर, आप सभी ने अटेंडेंस मशीन देखी होगी जहाँ फिंगर वाली, तो वहाँ पे हम फिंगरप्रिंट स्कैनर इस्तेमाल करते हैं, हमारी फिंगर्स को नोट करती है, हमारे फिंगर के गेस्चर को नोट करती है, ठीक है। आयरिस या रेटिना स्कैनर जो हमारे आंखों की रेटिना को स्कैन करती है, जैसे हम लोग आधार कार्ड बनवाने जाते हैं हम लोग आयरिस स्कैनर का हमें बहुत आयरिस स्कैनर हमें दिया जाता है, जिससे हमारे आंखों का गेस्चर नोट, ठीक है। ये सारी डिवाइसेस, ये कि स्कैनर है सभी कुछ, ये स्कैनर, स्कैनर का मतलब क्या होता है, जो कि किसी भी वर्चुअल या कैसे सकता है किसी अदर चीज को डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करता है। ये हमारे फेस को डिजिटल चेंज कर रहा है, ये वॉइस को डिजिटल रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये हमारे फेस फिंगर को, और ये हमारी आंख, ठीक है। हम बात करते हैं रिमोट को, तो सभी हम लोग जानते होंगे टीवी का रिमोट या टीवी रिमोट जो होता है, ये भी तरह का इनपुट डिवाइस है। ये बेसिकली वर्क करता है इंफ्रारेड, सभी ने नाम सुना होगा इंफ्रारेड, तो ये बेसिकली इंफ्रारेड पे वर्क करता है। इंफ्रारेड बेसिकली एक कह सकते हैं अंधेरे में पिक्चर खींचने के भी काम में आती है। इंफ्रारेड रेज एक तरह की एक लो लेंथ की एक सिग्नल होती है, ठीक है। इसका इस्तेमाल नाइट में फोटो खींचने, सीसीटीवी में भी किया जाता है और रिमोट इसका इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं, ये है MICR। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर। बेसिकली ये चेक को वेरीफाई करने के लिए, या सिक्योरिटी पर्पज से अगर हमने कुछ लिखा उसको वेरीफाई करने किया जाता है, पर रियल लाइफ में हम इसको चेक में, चेक को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चेक में एक नीचे कुछ लिखे होते हैं, वर्ड लिखे होते हैं जो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से उसको रीड किया जाता है कि इट इज वैलिड और स्पेशल टाइप की इंक, इसको ये रीड करने के लिए डिवाइस, ठीक है। इसका MICR बोलते हैं, ये भी इतना की इनपुट डिवाइस है। डिजिटाइजर, डिजिटाइजर आज के डेट में बहुत ही वाइडली यूज हो रहा है। डिजिटाइजर का मतलब हम कहीं कहीं इसको हम पेनटॉप भी बोलते हैं, पेनटॉप, या कहीं कहीं इसको हम ग्राफिक टैबलेट भी बोलते हैं, ग्राफिक टैबलेट, ठीक। ग्राफिक टैबलेट एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए हम जो भी प्लेन सरफेस है, आप देख सकते हैं प्लेन सरफेस है, यहाँ पे हम जो भी इस पेन से, इस पेन को हम स्टाइलस कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, स्टाइलस, स्टाइलस से जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे हमको दिखेगा। बेसिकली इसका जो काम होता है वो आप कह सकते हैं टीचिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई डिजाइन बनाने में, कोई आर्किटेक्ट का आर्किटेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह से अगर कोई हमको डिजाइन बनानी है कंप्यूटर में बाई हैंड, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिटाइजर, जिसको हम ग्राफिक टैबलेट भी या पेन टॉप भी कहते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए किस स्पेशल टाइप की पेन यूज की जाती है, इसको हम लोग स्टाइलस कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे है टच स्क्रीन, सभी लोग जानते हैं टच स्क्रीन के बारे में। आज की हमारी सारी मोबाइल जो होती है वो टच स्क्रीन पे काम करती है। टच स्क्रीन एक इंटरफेस है जो टच पॉइंट के जरिए हम कंप्यूटर में, मोबाइल में या कंप्यूटर में हम इंस्ट्रक्शन पास आउट कर सकते, ठीक है। टच स्क्रीन बेसिकली हम मोबाइल में और लैपटॉप में हमको देखने के लिए मिल जाएगी, और अदर बहुत सारी डिवाइसेस में आज के डेट में टच स्क्रीन एज ए इनपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बेसिकली एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस, कौन सी डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फ्रेंड्स को लाइक और शेयर करने के लिए ना, ठीक है। साथ ही आप टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपको स्टडी नोट्स चाहिए तो आप हमें हमारे ब्लॉग को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।